कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी। प्रदर्शन के दौरान यहां पर सभी एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग हेतु दिया गया ज्ञापन। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ग्रामीणों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां पर पुलिस के द्वारा बर्बरता किए जाने के बाद भी धरना स्थल से ग्रामीण नहीं भागे हैं और वहां पर लगातार अड़े हुए हैं। तमाम चीजों को लेकर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ग्रामीण भी मौजूद थे जो अनशन कर रहे थे। वह सभी एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह को आवेदन सौंपते हुए जिन पुलिस कर्मियों ने लाठियां भांजी थी और बर्बरता की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हेतु एक आवेदन सौंपा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस द्वारा रात के वक्त 17 तारीख को यहां पर अचानक पहुंचकर लाठियां मारी गईं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया गया था। इस तरीके के आरोप यहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने लगाए हैं और यह कहा है कि जिन पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया है उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इन तमाम चीजों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्होंने आवेदन देते हुए एडिशनल एसपी विक्रम सिंह से न्याय मांगा है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शनकारी क्या कहते हैं, यह सुनिए। दरअसल कैन बेतवा लिंक परियोजना संबंधी छोटी सी जानकारी के लिए हमारे द्वारा कई बार आवेदन दिए गए। जब आवेदनों पर कोई जानकारी नहीं मिली तो यहाँ हम धरना करने को विवश हुए। धरने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करने के बाद हमने देखा कि आज हमारा 8वां दिन है। 17 तारीख की रात को 6वें दिन पुलिस डाकुओं के रूप में आई, महिलाओं लाठी मारना शुरू कर दिया। सब पुलिसकर्मी पुरुष थे, एक भी महिला नहीं थी। हमारे साथ की जो महिलाएं थी ज़्यादातर आदिवासी और हरिजन महिलाएं थी, उनके साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई, उनके ब्लाउज खींचे गए, उनके धोती खींचे गए। रात के 1 बजे हमारे पास वीडियो है, लोगों के हाथ में आया, किसी के पीठ में लगी है, किसी के जांग में लगी है और इतनी गंदी गंदी जाति सूचक गालियां दी। वहां पर बंदूकें अड़ाड़ा के बच्चों के साथ मारपीट की। आज किन बातों को लेकर एसपी साहब से मिले आप? हम इन्हीं बातों को लेकर मिले कि हमारा टेंट भी आप ले गए हो, हमारा सामान आप पैसे लोगों के ले गए हैं, धोतियां ले गए, जूते चप्पल राशन का सामान, मतलब ये डकैती भी आप, मतलब हम लोगों की तरह आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया हमारे साथ और पुलिस एक डाकू बन के रात में 1 बजे डकैती डाल रही है। इस पर कार्रवाई को लेके मांग है हमारी, इसमें आप डकैती का, उनके साथ SC ST एक्ट का, महिला एक्ट का और बलवा और इस तरह की मारपीट का और हमारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकारों को जिस तरह से कुचला जा रहा है उनके उसके खिलाफ कट से सख्त कार्रवाई इन पुलिस कर्मियों पे की जाए। 24 घंटे का समय दिया हमने। क्या लगता है किसके इशारे पर ये पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई? देखिए, बिजावर का विधायक जो है वो यहाँ आए थे और उन्होंने खड़े होकर अपने सामने कार्रवाई कराई है। इसमें भाजपा के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला का एक गंदा चेहरा सामने आया है और उनकी मिली भगत, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ की जनता, उनके यहाँ की जनता को महिलाओं को रात के 1 बजे मारा जाता है, उनके ब्लाउज फाड़े जाते हैं, उनकी साड़ी खींची जाती है और राजेश शुक्ला जी कहाँ मुँह छुपा के खड़े हुए हैं। अगर वो सामने नहीं आ रहे इसका मतलब उनकी मिली भगत है और उनके सह पर ये हुआ है। इस बात के प्रमाण भी, और हमारे पास वीडियो भी है, हम वो वीडियो जल्दी हमने वो वीडियो आप लोगों को शेयर भी किए हैं, आप खुद देख सकते हैं उन वीडियो में कितनी गंदगी भरी हुई है। अगर कार्रवाई नहीं की, देखिए अभी हम एक बात और, प्रशासन हमारा टेंट ले गया, सबको टेंट के लिए मना कर दिया, हमारे पास टेंट नहीं है। हमारे रोज लोग बीमार हो रहे हैं, इस भीषण गर्मी में हम इस धूप के नीचे आमरण अनशन करने को मजबूर है। अगर किसी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी इस पुलिस प्रशासन की। उधर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने भी ज्ञापन लेते हुए जांच करवाने की बात कही है और यह कहा है कि जांच उपरांत जो भी तत्व सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान एडिशनल एसपी विक्रम सिंह मीडिया के कैमरे पे क्या कहते हैं, यह सुनिए। लिंक परियोजना को लेकर के अमित भटनागर जी और कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पुलिस और प्रशासन संबंधित कुछ चीजें लिखी हुई, इसको उनका खास में जाँच करेंगे, जाँच अनुसार। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी के बैनर तले सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग उठाई है।
दरअसल यहां पे लगातार कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वही प्रदर्शन के दौरान जो शुक्रवार को तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक प्रदर्शनकारी की तबीयत फिर से बिगड़ गई। गर्मी अधिक पड़ रही है और ऐसे में लगातार धूप में अनशन करने की वजह से यहां पर लगातार प्रदर्शनकारियों की तबीयतें बिगड़ती जा रही हैं। बावजूद इसके भी प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और इन्हें प्रदर्शन खत्म कराने के लिए कोई प्लान नहीं हो पा रहा है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।